Good morning friends, welcome back to digital platform of online study Adda Allahabad. उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे और मौज कर रहे होंगे। तो पिछली बार तक हमने मल्टी वे प्रोग्रामिंग का स्टेप बता दिया था। आज का हमारा जो क्लास है वो है रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट या लूप्स या इटरेटिव कंस्ट्रक्ट के ऊपर। तो पहले तो हम लोग इसकी चर्चा करें कि ये रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट या लूपिंग कंस्ट्रक्ट या इटरेटिव कंस्ट्रक्ट क्या है। देखिए, कई बार हमें ऐसा जरूर पड़ता है कि हम एक ही काम को बार बार रिपीट करें, एक ही काम को कई बार रिपीट करें, ऐसी जरूरत पड़ सकती है। उदाहरण के लिए मैंने आपसे कहा कि आप अपना नाम 50 बार प्रिंट करिए। क्या कहा? अपना नाम 50 बार प्रिंट करिए। तो गणेश बहुत खुश होगा, बोलेगा सर ने क्या बढ़िया प्रोग्राम दिया है। वो अपने प्रोग्राम के अंदर लिखेगा प्रिंटर गणेश तिवारी है। दूसरा बार कितना हो गया? एक। इस तरह से 50 बार लिखते है ना, काम खत्म। कितना आसान प्रोग्राम है, 50 बार लिखना पड़ेगा है ना। अगर हमने 50 बार लिखने के लिए कहा, इसने बड़े खुशी खुशी 50 बार लिख दिया। अगर मैं कहता 1,00,000 बार प्रिंट करो तो 1,00,000 बार प्रिंट करता, लिखता ऐसे, लिखने को लिख सकता है। बट इसे हम लोग प्रोग्रामर की भाषा में कहते हैं डंकी लॉजिक। क्या कहते हैं? डंकी लॉजिक। डंकी यानी कि गधा। गधा मेहनत करता है, प्रोग्रामर कभी मेहनत। प्रोग्रामर सबसे बड़ा आलसी व्यक्ति होता है। यहाँ पे जितने लोग सीखने बैठे सब आलसी हैं, सब एक नंबर के आलसी हैं, है ना। मैं भी कंप्यूटर फील्ड से हूँ, मैं भी। तो हम लोग हार्ड वर्क नहीं, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर्स हार्ड वर्कर नहीं होते, वो होते हैं स्मार्ट वर्कर्स। अगर यही 1,000 वाला काम 3-4 लाइन में हम लोग कर ले तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। 3-4 लाइन लिख करके 1,000 वाला काम पूरा कर लिया, इजंट इट। सो यहां पर ऐसी जगहों पे जहां पे किसी चीज को बार 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 रिपीट करना है, वहां पर हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिपीटेटिव कंस्ट्रक्ट दिए होते, ठीक है। अगर हमें कोई चीज रिपीट करना है, किसी भी काम को रिपीट करना है, तो हम वहां पे क्या करते हैं? काउंटिंग का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? काउंटिंग का, गिनते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे भी देख लो, अगर गणेश तिवारी अपना नाम 50 बार लिखना चाहे तो एक बार प्रिंट किया फिर गिना, एक हो गया, फिर एक बार और लिखा फिर गिना, दो हो गया। कितने बार तक करता रहेगा यही चीज? तो गिन रहा है ना। तो जब भी आपको कोई चीज रिपीट करना होता है तो काउंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। इटरेट करना मतलब काउंट करना, इटरेट करना मतलब काउंट करना, इटरेट करना मतलब गिनवाना या गिनना, इटरेट करना मतलब गिनवाना या गिनना। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कितने बार हुआ। जब 50 बार हो जाए तो रुक जाए। 50 बार हुआ कि नहीं ये कैसे पता लगेगा? कंडीशन चेक करके। 100 बार हुआ कि नहीं कैसे पता लगेगा? कंडीशन चेक करके। हमें काउंटर काउंट वेरिएबल ले लेंगे सी। सी शुरू में कितना रखेंगे? जीरो। जैसे ही प्रिंट किया तो सी को बढ़ा देंगे, सी को बढ़ा देंगे, फिर चेक करेंगे इफ सी इज लेस देन 50 गो टू यहां भेज दो, फिर प्रिंट करें, फिर बढ़ाए, फिर चेक करें, अगर है तो गो टू, और जैसे ही ये 50 से अधिक हो जाए बाहर। हुआ ना 50 बार। तो यहां देखिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन में सारा काम हो गया। 50 बार के लिखने की बात कर रहे थे हम, उसकी उसकी पूरी कुंडली हमने कितने लाइन में लिख दी? 5 लाइन।
स्मार्ट वर्क हुआ ना, तो जो चीज हमें रिपीट करना है रिपीट करने के लिए हम लोग लूपिंग कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं, और लूपिंग कंस्ट्रक्ट में हम लोग किसका सहारा लेते हैं, काउंटिंग का। और सी लैंग्वेज में लूप के लिए हमारे पास तीन तीन स्टेटमेंट दिए हैं, कितने, तीन तीन स्टेटमेंट दिए हैं, एक है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप, और तीसरा है फॉर लूप। कितने तरह के लूप्स दिए हैं, तीन प्रकार के, कौन कौन से, व्हाइल डू व्हाइल एंड फॉर, इनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग लिख लेते हैं ये कंस्ट्रक्ट क्या होता है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद कैसे यूज करते हैं ये बात करेंगे। समटाइम्स वी नीड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स a number of times. कई दफा हम लोग को कुछ स्टेटमेंट्स को कई बार रिपीट करने की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। टू रिपीट एग्जीक्यूशन ऑफ a block of statements a number of times we use iterative or repetitive construct. अगर हमें किसी चीज को बार बार कई बार रिपीट करना है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वी यूज द कंसेप्ट ऑफ iteration or counting to repeat a block of statements. हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए इटरेशन या काउंटिंग के कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। हम काउंट करते हैं कि कितने बार हुआ, जब तक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होगा तब तक रिपीट करते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेंगे। समझ में आएगा, इज दैट क्लियर? मान लो मैं आपके घर आऊं, आयुष के घर जाऊं और कहूं आयुष मुझे बहुत प्यास लगी है, दो ग्लास पानी पीऊंगा, तो आयुष क्या करेगा, दो ग्लास पानी लाएगा, लीजिए सर, इजंट इट। बट मैं अगर गर्मी के दिनों में आयुष के घर जाऊं, बहुत प्यास लगी, कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीऊंगा, 10 ग्लास पानी पीऊंगा ना, क्या करेंगे, ये एक जग ले आएंगे, एक ग्लास लाएंगे, अब वो 10 ग्लास में पानी नहीं लाएंगे, एक ग्लास और एक जग लाएंगे, जग में पानी भरा होगा। अब ये काम क्या करेंगे, ग्लास में पानी उड़ेलेंगे, हमको देंगे, हम पियेंगे, गिन लेंगे, एक 10 हुआ, नहीं हुआ तो फिर से उड़ेलेंगे, मैं पियूंगा, गिन लेंगे, उड़ेंगे, पीऊंगा, ये गिन लेंगे, 10 हुआ, नहीं हुआ, ये तब तक रिपीट करते रहेंगे,
जब तक जैसे दसों बने सर बस होगा दस ही बना तो इन्होंने काम वही किया, मुझे दस ग्लास पानी पिलाया, बट कैसे किया, दस ग्लास में नहीं एक ही ग्लास में दस बार रिपीट करके पिलाया। ये जो इन्होंने कंसेप्ट यूज किया इसी को कहते हैं काउंटिंग कंसेप्ट या इटरेशन कंसेप्ट, काउंट करके अपने काम को बार बार रिपीट किया। समझ में आया? तो आप देख रहे हैं कि जब कभी भी आपको कोई चीज रिपीट करना होगा उसके तीन या चार पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट बिगनिंग पॉइंट, कहीं से तो गिनना शुरू करेंगे ना आप लोग, गिनती कहां से शुरू करते हैं? जब तक पानी नहीं पिया तब से गिनती कैसे शुरू कर दिया? जीरो से। देखो भाई अभी हमें पिलाया ही नहीं तो गिनती कहां पर है? तो हम बिगनिंग पॉइंट का रखा सी बराबर जीरो, ठीक है ना। इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, क्या कहते हैं? स्टार्टिंग बिगनिंग पॉइंट क्या हमारा इनिशियलाइजेशन है, जहां पे हम गिनती की शुरुआत में इनिशियल वैल्यू बताते हैं। अभी कोई हमने काम नहीं किया है तो इनिशियल वैल्यू कितनी है? जीरो, ठीक है ना। इसके बाद हमें वो काम करना है जो रिपीट करना है, जैसे ऑपरेट करना है या पानी पीना है, जो भी काम करना है वो जो भी रिपीट करना है उसको कहते हैं यहां पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड। जो भी काम आपको रिपीट करना है चाहे वो एक स्टेटमेंट हो चाहे सौ स्टेटमेंट हो, जिसको रिपीट करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, जितने भी हैं एक दो चार जो भी है। तो पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या किया आपने, जो रिपीट करना है वो स्टेटमेंट्स। ये स्टेप नंबर दूसरा पॉइंट, इसको कहते हैं ब्लॉक या रिपीटेशन ब्लॉक। क्या कहते हैं? रिपीटेशन ब्लॉक, जो रिपीट करना है वो ब्लॉक, ठीक है। बिगनिंग पॉइंट रिपीटेशन ब्लॉक। और जब हमने कोई काम किया तो उसको गिनते गिनेंगे ना, तो यहां पे कहेंगे इंक्रीज काउंटर, काउंटर को बढ़ाओ। यहां पे काउंटर सी है, हम क्या करेंगे सी को बढ़ाएंगे, ठीक है। इंक्रीज करने के बाद जो चौथा स्टेप होगा वो होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों होता है। और चौथा होगा कंडीशन, चेक करेंगे कि हुआ कि नहीं पूरा, तो यहां पे कंडीशन। और अगर कंडीशन फॉल्स है, पूरा नहीं हुआ है, तो कहां भेजेंगे? यहां पे नहीं भेजेंगे, यहां भेजेंगे तो दोबारा काउंटिंग जीरो हो जाएगा, और दोबारा जीरो हो जाएगा तो फिर से वन से गिनती शुरू करेगा, तो यहां नहीं भेजेंगे, यहां भेजेंगे। ये तब तक करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, तब तक रिपीट करते, जैसे कंडीशन फॉल्स होगा बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं हर एक लूपिंग के अंदर चार पार्ट हो गए, पहला क्या इनिशियलाइजेशन, दूसरा ब्लॉक जहां पे हम लोग क्या करेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो रिपीट होना है, उसके बाद काउंटर को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, और ये कंडीशन जब तक ट्रू है रिपीट करता रहेगा। ये हमारा चार पार्ट हो गए, समझ में आया? तो लूपिंग स्टेटमेंट के कितने पार्ट हुए शिव प्रताप? कितने पार्ट हुए? चार। कौन कौन से? बिगनिंग पॉइंट जहां से हम गिनती शुरू करेंगे, स्टेटमेंट्स जो बार बार रिपीट करेंगे, इंक्रीमेंट जहां पे काउंटर को बढ़ाएंगे, और कंडीशन जहां पे हम चेक करेंगे पूरा हुआ या नहीं, ठीक ना। अब यहां पे देखिए कुछ लोग उल्टा भी करते हैं, जैसे हमने गिनती कहां से शुरू की? जीरो से। अब सुधीर उल्टी खोपड़ी का बोलेगा नहीं सर मैं दस से गिनना शुरू करूंगा, तो इनिशियल वैल्यू क्या करेगा? दस। फिर जब
एक पिला दिया तो बढ़ेगा, नौ बचा, आठ बचा, सात बचा, छह बचा, या उल्टी गिनती गिन रहा है, तो ये भी तो एक तरीका है ना, ये भी एक तरीका है भाई, उल्टी गिनती करके या सीधी गिनती करके, तो जब जीरो हो जाए बोले सर आपका काम हो गया, है ना। तो जहां कहीं भी ऐसा इसको बोलते हैं रिवर्स लॉजिक, क्या बोलते हैं रिवर्स लॉजिक। तो हम फॉरवर्ड लॉजिक से या रिवर्स लॉजिक से दोनों काम, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। तो जब रिवर्स लॉजिक से शुरू करेंगे तो यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट हो जाएगा, है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपडेशन। क्या लिखते हैं? अपडेशन। और यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन कंडीशन। अगर ट्रू है तो बाहर आ जाओ, फॉल्स है तो रिपीट करो। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको लूप चलाना है तो उसमें चार स्टेप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला इनिशियलाइजेशन, जिसमें हम एक काउंटर वेरिएबल देंगे उसको इनिशियल वैल्यू देंगे। दूसरा जो स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना है वो, और ये काउंटर को बढ़ाना या घटाना जिसे कहते हैं अपडेशन या काउंटर, और लास्ट कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन को चेक करना। ध्यान रखे टर्मिनेशन कंडीशन अगर ठीक से चेक नहीं किया तो लूप गड़बड़ा जाएगा। आपने ऐसा कंडीशन दिया जो कभी ट्रू ही ना हो या जो कभी फॉल्स है ना हो। हमने कहा लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, और ऐसा कंडीशन लगा दिया जो कभी फॉल्स ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? लूप चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कभी रुकेगा नहीं, और हम कहेंगे हमारा कंप्यूटर हैंग कर गया या इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। किसने फंस गया है? और ऐसा हम लोग चाहेंगे क्या? नहीं, हम चाहते हैं अगर शुरुआत है उसका एंड भी होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमने अभी जो पढ़ा लूपिंग कंसेप्ट के बारे में उसमें चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्या क्या? देयर आर फोर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन अ लूप। किसी भी लूप में कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं? चार। पहला इनिशियलाइजेशन, यहां पे क्या करते हैं? वी प्रोवाइड स्टार्टिंग वैल्यू या इनिशियल वैल्यू टू द काउंटर वेरिएबल, काउंटर या कंट्रोल वेरिएबल, जिस लूप से, जिस वेरिएबल से हम लोग लूप चला रहे हैं, गिनती गिन रहे हैं, उसको हम कहते हैं काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल, क्योंकि वही लूप को कंट्रोल करा कितने बार चलेगा, है ना। तो जिस वेरिएबल से हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, उसको कहेंगे काउंटर वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल, और उसको हम क्या करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, किसमें? इनिशियलाइजेशन में। ठीक है, स्टेप नंबर टू, write the set of statements which are to be repeated. अब वो set of statements लिखे जिन्हें बार बार repeat करना है, इसको हम लोग कहते हैं repetition block। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज रिपीटेशन ब्लॉक। ठीक है, स्टेप नंबर थ्री क्या था? अपडेट।
हम इंक्रीज या डिक्राइज है, अपडेट इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। अपडेट द कंट्रोल वेरिएबल, अपडेट द काउंटर और कंट्रोल वेरिएबल, उस वेरिएबल को अपडेट करिए, बढ़ाइए या घटाइए, डिपेंड करता है आपने फॉरवर्ड लॉजिक यूज किया है कि रिवर्स। और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 4, क्या? चेक टर्मिनल कंडीशन। चेक टर्मिनल कंडीशन, ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के। तो हम देख रहे हैं कि हमारे किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट के कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स। आई होप इतनी चीजें सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो सी लैंग्वेज है, इस सी लैंग्वेज में हमारे पास 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, 3 लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, राइट। इसको भी लिख लीजिए, इन सी लैंग्वेज देयर आर 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स। इन सी लैंग्वेज वी हैव 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स और कंस्ट्रक्ट्स। कितने हैं? कौन 3? कौन कौन से? पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप, और तीसरा है फॉर। तो सी लैंग्वेज में लूप बनाने के लिए, लूप चलाने के लिए कितने स्टेटमेंट्स हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहला है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप, तीसरा है फॉर लूप। अब कौन सा यूज करेंगे, कहां पे कौन सा यूज करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है या क्वेश्चन पे निर्भर करता है। ध्यान रखिए, अगर आपको रिपीट करना है तीनों से ही कर सकते हैं, कोई भी चीज रिपीट करना है व्हाइल से भी कर सकते हैं, डू व्हाइल से भी कर सकते हैं, फॉर से भी कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आपको कौन सा यूज करने में आसानी है, या किस जगह पे कौन सा लूप ज्यादा अच्छा है वो यूज कर लो, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना पूरा ध्यान लगाते हैं व्हाइल लूप पे, राइट। हेडिंग डाल लीजिए व्हाइल लूप। This statement is used to repeat a block of statements till a given condition is true। क्या लिखा आपने? ये जो स्टेटमेंट्स है, कौन सा व्हाइल वाला, ये क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करता रहता है जब तक कि दिया हुआ कंडीशन ट्रू है। यानी कि ट्रू है तो रिपीट करेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप से बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है पांडे जी? समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स देखा जाए,
व्हाइल कंडीशन, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। इनिशियलाइजेशन हमने कहा था लूप के चार पार्ट होते हैं ना, इनिशियलाइजेशन देखिए लूप से पहले किया, लूप के पहले हो सकता है तुरंत पहले हो सकता है बीच में और कभी स्टेटमेंट्स भी हो, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन काम रहा है व्हाइल से, और ये व्हाइल स्टेटमेंट है यानी कि जब प्रोग्राम रन करेगा तो यहां से कहां आएगा, सबसे पहले आएगा इनिशियलाइजेशन होगा, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद ये यहां आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कहां जाएगा कंडीशन चेक करेगा। अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स, दो ही तो हो सकता है। कंडीशन ट्रू है तो अंदर चला जाएगा, ट्रू है तो कहां चला जाएगा, ये जो है ये हमारा इसको कहलाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक ऑफ लूप स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं, या बॉडी ऑफ लूप स्टेटमेंट। हाँ व्हाइल लूप की बॉडी है, यहां से शुरू हो रहा है यहां पे समाप्त हो रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में चला जाएगा, और लूप की बॉडी में वो स्टेटमेंट जिसको आपको रिपीट करना है वो यहां पे लिखेंगे आप। और हमने बताया था अपडेशन भी करना है, काउंटर वेरिएबल को बढ़ाना है या घटाना है, तो चूंकि वो भी रिपीट होना है तो उसको भी कहां लिखेंगे, बॉडी के अंदर। अब हमने यहाँ पर अपडेशन लिखा, हो सकता है अपडेशन हम यहाँ पर शुरू में करते बीच में करें या लास्ट में करें, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। अपडेशन इस बुक में कहीं भी हो सकता है, उसके बाद और भी स्टेटमेंट्स होंगे जिनको रिपीट करना है, और उसके बाद यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखिए यहाँ से जब जैसे ही खत्म होगा यहाँ से फिर कहाँ चला जाएगा, कंडीशन चेक करेगा फिर से, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर रिपीट होगा, साइकिल चल रहा है, लूप चल रहा है, लूप मतलब चक्कर, चक्कर चल रहा है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, ट्रू है तो अंदर गया, अगर कंडीशन फॉल्स है तो समझ में आया किस तरह से काम कर रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ये जो हमने लाइन लाल से लाइन बनाया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली हमने समझाने की जरूरत है। टू प्रिंट फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वन से शुरू होते हैं, यानी कि वन प्रिंट करना है, फिर टू करना है, फिर थ्री करना है, फिर फोर करना है, फिर फाइव करना है, इस तरह से कहां तक जाएगा, 50 तक। तो यहां पर हमें ये आउटपुट चाहिए, तो जरा आप लोग ये बताइए इसमें कोई चीज इनपुट लेना है क्या, प्रोग्राम के क्वेश्चन को देख के बताइए क्या इसमें हमें कोई चीज इनपुट लेना है, नहीं। हमें पता है कि शुरू के 50 नेचुरल प्रिंट करने हैं, और हमें यह भी पता है कि पहला नंबर क्या होता है, तो यहाँ पे हमें कोई भी इनपुट नहीं देना है, अभी तक पहला प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें कोई इनपुट नहीं लेना है, क्लियर। और हमें क्या करना है, वन से शुरुआत करनी है और प्रिंटिंग करनी है, टू थ्री, वन टू थ्री फोर, कहाँ तक जाना है, या तो हम डंकी लॉजिक से करें तो क्या लिखें, प्रिंटर वन, प्रिंटर टू, प्रिंटर थ्री, प्रिंटर फोर, प्रिंटर फाइव, ये कहलाएगा डंकी लॉजिक, नहीं। हमें तो स्मार्ट वर्क करना है, तो यहाँ पे क्या यूज कर लें, रिपीट हो रहा है बार बार, प्रिंटिंग वाला काम रिपीट हो रहा है, तो रिपीट करने के लिए हम क्या यूज कर लें, व्हाइल लूप, क्या यूज कर लें,
और कहां से स्टार्टिंग करें, इनिशियलाइज कहां से करें, जीरो तो होना ही नहीं है इसमें, वन से। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जीरो कभी होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ से इनिशियलाइज शुरू करेंगे, वन से। उसको प्रिंट करेंगे, बढ़ाएंगे, चेक करेंगे 50 हुआ कि नहीं, रिपीट करता रहेगा। करेक्ट, हैश इनपुट मैंने लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। वाई में बातचीत नहीं बेटा, आपस में बातचीत नहीं। यहां पे हमने नेचुरल नंबर के लिए वेरिएबल ले लिया है एन, और एन को इनिशियलाइज कर दिया है वन से। ध्यान रखें हम एन को ही काउंटर की तरह से प्रयोग करेंगे, एन को ही काउंटर की तरह से प्रयोग करेंगे। अभी एन की वैल्यू क्या है, स्क्रीन साफ हुआ? अब देखो यहां पे हमने क्या किया, while लूप चला दिया, while n is less than or equals to 50, जब तक n की वैल्यू 50 से कम या बराबर है, जब तक n की वैल्यू 50 से कम या बराबर है, क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, n की वैल्यू। तो हमने लिखा प्रिंटर परसेंट d backslash t, यहाँ पे स्पेस देने के लिए हमने क्या लगाया है, backslash t टैब, है ना, हमने पढ़ाया था शुरू में। तो स्पेस देने के लिए टैब लगा दिया और क्या लिखा यहाँ पे, n की वैल्यू प्रिंट करा दी। तो अभी n की वैल्यू कितनी है, तो क्या प्रिंट करेगा, वन और उसके बाद स्पेस, वन और उसके बाद स्पेस हो गया। अब क्या करें, n को बढ़ा दें, n को बढ़ाने के लिए क्या लिखे, n is equals to n plus 1, n बराबर, हम इसी चीज को n प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, क्यों भाई, इसका भी मतलब तो वही हुआ, इंक्रीमेंट कर दो n की वैल्यू एक से, काम खत्म। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 50 है या उससे कम है। जैसे 51 होगा ये कंडीशन फॉल्स होगा, बाहर आ जाएगा, बाहर हो जाएगा तो हमें क्या करना है, प्रोग्राम को एंड कर देना है, गेट सी एच, और हमारा प्रोग्राम एंड, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, इज दैट क्लियर, समझ में आया, किसी को कोई डाउट? तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और अटेम्प्ट करते हैं जहां पे रिपीटेशन का प्रयोग होना चाहिए। मान लेते हैं हमने आपसे कहा कि आप 50 नंबर इनपुट कराओ, कितने, और उनका सम भी प्रिंट करो, एवरेज भी प्रिंट करो। क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर इनपुट लो और उनका सम और एवरेज दोनों प्रिंट करो। सो व्हाट इज माय क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 50 नंबर्स, कोई भी 50 नंबर, यूजर की मर्जी, कुछ भी डालो, नेगेटिव भी डाल सकता है, पॉजिटिव भी डाल सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 50 नंबर्स, और कुछ भी डाल सकता है, 100, 200, 500, 12, 15, 19, कुछ भी हो सकता है। एंड प्रिंट देयर सम एंड एवरेज, उनका सम और औसत दोनों बताएं। तो हम यहां पे दो काम करना है, तो सम निकालना है, दूसरा, तो यहां पे 50 नंबर इनपुट कराएंगे, उनको एक जगह ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद क्या करेंगे, उनका जब पूरा सम मिल जाएगा तो क्या करेंगे, उनको हम डिवाइड करके 50 से उसका एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकल जाएगा, और बाद में दोनों को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 50 बार इनपुट लेना, या तो हम स्कैनर परसेंटेज परसेंटेज 50 बार लिखें, या फिर हम क्या करें, लूप चला लें, उसमें एक वेरिएबल में इनपुट करा लें, लूप चला लें, एक वेरिएबल n में इनपुट कराए और n को कहीं पे जोड़ दें, n को हमने
वर्ब लिया है एस सम के लिए, और सम में क्या किया है एन, शुरू में एस कितना है जीरो, शुरू में एस कितना है जीरो, अभी तक हमने कोई नंबर इसमें ऐड नहीं किया, तो सम की वैल्यू क्या है जीरो। जैसे नंबर इनपुट कराया एन, स्कैनर कराया, उसके बाद क्या करेंगे एन को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। और काउंट कर रहे हैं तो काउंटर मान लो सी है, सी भी शुरू में जीरो है, हमने सी को बढ़ा दिया, ठीक है ना। और ये कब तक चलेगा, सी इज लेस देन इक्वल टू 50 तक, जब तक 50 नहीं हो जाए इनपुट, सॉरी इनपुट लेगा, जोड़ेगा, इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, करता रहेगा। जब 50 नंबर इनपुट हो गए, ऐड भी हो गए, तो बाहर आ जाएगा। अब क्या करना बचा है, एवरेज निकालना। तो हमने एवरेज निकाला, एवरेज बराबर सम बटे 50। अब क्या करना बचा है, प्रिंट करना बचा है, इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू और एस की वैल्यू, समझ में आया। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा, चलिए किया जाए। हैश इनपुट मैं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, void main। अब देखिए हम यहां पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, पहले तो लूप चलाने के लिए काउंटर चाहिए, हमने सी ले लिया, और सी की वैल्यू कहां से शुरू की, जीरो से। नंबर इनपुट कराना है तो उसके लिए वेरिएबल ले लिया है एन, जिसमें हम बार बार इनपुट कराएंगे। सम जोड़ने के लिए वेरिएबल चाहिए, उसको इनिशियल वैल्यू क्या कर दी जीरो, हो गए। अब हमें एवरेज, चूंकि डिवाइड करने पर डेसिमल में आ सकता है, तो हमने एवरेज कैसा लिया, फ्लोट टाइप का। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, क्यों लिया समझ में आया। एन में इनपुट कराएंगे, ये हम लूप चलाने के लिए ले रहे हैं, काउंट करने के लिए, और ये टोटल करने के लिए सम। अब हमें रिपीट करना है, 50 बार इनपुट लेना है, तो रिपीट करना है तो क्या लिखेंगे, लूप। लूप कौन सा पढ़ा है हमने अभी, वाइल। लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक सी की वैल्यू 50 से कम या बराबर है, वाइल सी इज लेस देन 50। सी हमारा कहां तक जाएगा, जैसे ही 50 होगा बाहर आ जाएगा, है ना। तो लेस देन 50 तक हमारा काम चलेगा। शुरुआत कहां से की है, 50 तक जाएगा, जैसे 50 हो गया मतलब काम पूरा हो गया। अब क्या करें, इसमें पहले इनपुट कराएं, तो इनपुट कराने के लिए हमने मैसेज दिया प्रिंटर एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट कराओ। इनपुट लेने के लिए क्या लिखा, स्कैनर, किसमें इनपुट लेना है एन में, चूंकि इंटीजर है तो परसेंटेज, और अच्छी है हैबिट प्लस, वेरी गुड हुआ। अब क्या करें बोले भाई, अब ये जो नंबर एन आया इसको जोड़ रहे, किसको जोड़े एस में, एस बराबर एस प्लस एन, एस को एस में जो नंबर आया उसको एस में ऐड कर लिया है, जो भी नया नंबर ले रहे किसमें ऐड करते रहे, एक जग लिया है पानी ग्लास में लिया, इसमें भरते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एस वेरिएबल, इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग की भाषा में एक्यूमुलेटर, क्या कहते हैं, एक्यूमुलेट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, एस को क्या कहेंगे एक्यूमुलेटर। तो एस यहाँ पे एक्यूमुलेटर का काम कर रहा है, जो भी नया नंबर आ रहा है उसको हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, एक्यूमुलेट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे की बात, काउंटर को बढ़ा दें, क्या लिखे, अब देखिए ये कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक हमारा काउंटर 50 से छोटा है, जैसे ही 50 हुआ मतलब 50 हो गए, 50 हो गए तो अब क्या करें, एवरेज निकालें। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम, सम हमारा एस है, डिवाइडेड बाय 50.0।
ठीक है ना, 50 से भाग दे दिया और जो रिजल्ट आया किसमें चला गया, ए बी जी में, ठीक है ना ज्वाला। अब क्या करें, बचा काम क्या, क्या काम बचा है, दोनों को प्रिंट करना, तो प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंटर सम इज परसेंट डी एंड एवरेज इज परसेंट एफ, और यहां पर सम एस की जगह किसकी जगह क्या होना चाहिए, एस की वैल्यू और उसकी जगह ए बी जी की वैल्यू, हो गया गेट सी एच, और ये हो गया समझ में आया। अब कैसे काम करा जाए, देखिए शुरुआत यहां से हुआ, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एन, ये हो गया हमारा एस, और ये हो गया ए बी जी, सारे मेरे बना के सी बराबर जीरो, एन में भी गार्बेज है, एस बराबर जीरो, एवरेज भी गार्बेज है, ठीक है, जो वैल्यू हमें नहीं पता वो क्या है, यहां क्या सी 50 से कम है, बोलो है, तो ट्रू हुआ कंडीशन, अंदर आ गया, अंदर क्या लिखा है, एंटर अ नंबर, आपसे प्रिंट करके आएगा एंटर अ नंबर, और आपने जो नंबर डाला किसमें दिया, एन में, मान लेते आपने डाला 15, एन की वैल्यू कितनी हो गई 15, फिर नीचे आएगा यहां पे क्या लिखा है, एस बराबर एस प्लस एन, एस कितना है जीरो, जीरो प्लस कितना हो जाएगा 15, सी प्लस प्लस, सी कितना हो जाएगा, जीरो था एक बढ़ जाएगा 1, फिर यहां से यहां आ जाएगा, यहां पे सी की वैल्यू कितनी है अभी एक, क्या सी 50 से कम है, देखो हाँ है, फिर से आएगा, फिर से एक नंबर लेगा, सपोज अब की बार आपने 205 डाला, कितना डाला एस बराबर एस प्लस एन, एस की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 205 220, तो एस की वैल्यू हो गई 220, सी प्लस प्लस, सी में एक बढ़ा दो, दो यहां से ऊपर जाओ, क्या सी अभी भी 50 से कम है, हाँ है, अभी तो दो है, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक रिपीट करता रहेगा, सी जब तक 50 नहीं हो जाएगा रिपीट करता रहेगा, जैसे ही सी 50 हुआ, क्या सी 50 है, हाँ बाहर आ जाएगा, बाहर क्या निकाल है, एवरेज निकालो और फिर प्रिंट कर दो, समझ में आया, इज दैट क्लियर, तो आज का क्लास हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, उम्मीद करता है कि आपको समझ में आया, समझ में आ गया सबको, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, जो नए यूजर हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जितना शेयर करेंगे उतना हमारा प्रोत्साहन होगा, जय हिंद जय भारत।